इसका हेड असेंबल करने वाले हैं, या हमारी FZ V2 का। चलिए इसको इसे कैसे कसना है हम आपको सिखाते हैं पहले। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम दो बाल सील हैं ये लगाएंगे। उससे पहले इसकी ये कटोरियां हैं, ये हमने इसमें दो कटोरी हैं, ये स्प्रिंग सपोर्ट करने के लिए इसमें लगाई गई हैं। इस तरीके से यहाँ लगेंगी ये। ये इसकी ओरिजिनल वॉल सील दो। तो दोस्तों इस वॉल सील पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरीके से, उसके इसके अंदर हम ये बिठाएंगे। ये आराम से इसके अंदर बैठ चुकी है। दूसरी वॉल सील सेम तरीके से लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों बाल अच्छी तरह इसमें बैठ चुकी हैं। अब हम इसके बाल वो लगाएंगे। फेस को बिल्कुल साफ कर लें। ये इस तरीके से ये हमने इस तरीके से और लगा लिया है। ये तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमने इसके दोनों बालों को इस तरीके से बिठा दिया है। अब हम ये स्प्रिंग कटोरी लॉक लगाएंगे। इसमें लॉक हमने ऑलरेडी लगा लिए हैं। तो दोस्तों पहले हम इसको हाथ से बैठाने की कोशिश करेंगे, अगर हाथ से नहीं बैठेंगे तब हम इसमें पुलर यूज करेंगे। दोस्तों हाथ से नहीं लग रहा है, ये पुलर पे ले लिए। पकड़ भाई इधर आ, 2 मिनट के लिए आ, पकड़ ले जाओ। तो दोस्तों ये बाल पुलर है, आप देख रहे होंगे, हम इसकी मदद से इसके बाल को बिठाएंगे। ये दिख रहा है ना, तो कस कस बस रुक जाओ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने इसके बाल लॉक को अच्छी तरह अंदर बिठा लिया है, प्रॉपर दिख रहा है, देखिए। अब दूसरे बाल को हम बिठाएंगे इस तरीके से। कस कस रुक जा कस खोल 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 चालू है ना। तो हमने इसके दोनों बाल प्रॉपर तरीके से बाल लॉक बिठा लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे।
तो इसके अंदर दोस्तों ये दो इसमें टेपर जो है दे रखा है इस तरीके का वाशर, तो हम इनको भी लगाएंगे इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमने इसके अंदर इसको ये इसमें बिठा लिया है, इसको भी इस तरफ लगाएंगे ये दोस्तों। ये हमने दोनों लॉक इसमें ऊपर इसका कैप लगा दिए हैं, वॉल सेफ्टी वाशर है ये। चलिए दोस्तों इसकी ये कैमशाफ्ट है, कैमशाफ्ट की आप बैरिंग है चेक कर लीजिए, अगर बैरिंग कोई खराब हो तो नहीं डाल दीजिए। फिलहाल इसकी बैरिंग एकदम टॉप क्लास सही है, परफेक्ट है। इसमें एक बैरिंग और लगी हुई है, ये भी परफेक्ट है। तो हम इसी बैरिंग के साथ इस कैम को लगाएंगे, थोड़ा इसमें ऑलिंग कर लेते हैं और थोड़ा अंदर की बैरिंग में भी हम ऑलिंग करेंगे। आप देख पा रहे हैं हमने इसमें कैम ऑलिंग कर ली है और बड़े प्यार से इसकी कैम को हम ये ऐसे बिठा देंगे। आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसकी कैम बैठ चुकी है आवाज के साथ ये। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा दो बूंद और डालेंगे इस तरीके से, थोड़ा यहाँ भी लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसके रॉकरों को लगाएंगे। तो दोस्तों इसके दोनों रॉकर सेम है, कोई भी दिक्कत रॉकरों में नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हैं एक कोई भी रॉकर। तो फिलहाल हम इस रॉकर को इस जगह लगाएंगे और इसकी रॉड भी सेम ही है दोस्तों, ज्यादातर कहीं भी लगा सकते हैं आप। रॉड दोस्तों इसकी इस तरफ से लगेगी, टाइमिंग गिरारी की तरफ से, और ये होल इस तरफ रहेगा, यहीं करके आएगी, यहाँ पर कसा जाएगा। तो दोस्तों रॉकर लगाने से पहले रॉड लगाने से पहले रॉकर को लूज कर लें, जिससे इसकी रॉड आराम से इस तरीके से लग जाए। आप देख पा रहे हैं ये बड़े प्यार से इसकी रॉड लग चुकी है। ऐसे ही हम इस रॉकर को भी लूज करेंगे। तो दोस्तों हमने दोनों रॉकर लूज कर लिए हैं, अब हम इसके रॉकर की रॉड लगाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं बड़े प्यार से इसकी रॉड लग चुकी है, देख रहे हैं आप। और ये हमने यहाँ से इसके बोल्ट को मिला लिया है। उसके बाद दोस्तों ये इसमें पत्ती दी गई है, इस पत्ती का जो काम है दोस्तों इसकी कैम को रोकने का, इस तरफ से लगता है ये इस तरीके से, जिससे कि कैम वापस बाहर ना आए, इसके अंदर दी गई है। और इस पत्ती को रोकने के लिए इसके अंदर दो बोल्ट दिए गए हैं एलन की के। तो दोस्तों ये 4 नंबर की एलन की के दो बोल्ट हैं, इसके अंदर लगाए जाएंगे ये। तो दोस्तों हम इसके 4 नंबर वाली एलन की के बोल्ट को कसेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों हमने ये पूरा हेड कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं इसमें रॉकर हमने लगा दिए हैं, कैमशाफ्ट भी लगा दी है, बाल भी प्रॉपर तरीके से इसमें सेट कर दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमने इसके FZ V2 का पूरा हेड कंप्लीट करके आपको बताया है सही तरीके से, ये देख पा रहे हैं। तो चलिए इसको फिट करेंगे।